फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार समर्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रीलिम्स एग्जाम में आप सब सम्मिलित हुए और अपनी क्षमता और तैयारी के अनुरूप आपने प्रदर्शन किया। आशा है कि आप सब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें और अब हम तैयारी प्रारंभ करेंगे मुख्य परीक्षा की, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है बीपीएससी के पूरे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के सफर में, और यही मुख्य परीक्षा ही तय करता है कि प्रीलिम्स के बाद आप अधिकारी बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा का जो प्रारूप है, इसकी समझ और इसके अनुरूप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। तो आज के लेसन में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा में आपको पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस है और किस तरह से तैयारी करके हम साक्षात्कार के लिए चयनित हो सकेंगे। तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जो बीपीएससी है, मुख्य परीक्षा में आपको 900 मार्क्स अंक का जो है यह मुख्य परीक्षा आपको होना है, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है। इस 900 में आपके जो अंक हैं उसमें एक और पेपर जुड़ जाता है। चार पेपर की परीक्षा होती है, मुख्य रूप से चार पेपर की परीक्षा होती है और ये चार पेपर चार दिन में खत्म हो जाना है। पहले काफ़ी लंबे समय तक परीक्षा होती थी क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे और दो ऑप्शनल पेपर चयन करना होता था, तो उस आधार पर लंबी प्रक्रिया होती थी। लेकिन अभी जो आपका प्रारूप है, चार दिन में परीक्षा निपट जाती है और पहले दिन आपको जो परीक्षा का प्रारंभ होगा वह अनिवार्य विषय है हिंदी, सामान्य हिंदी, इससे होगा। सामान्य हिंदी अनिवार्य विषय है, इसको क्वालिफाई करना है। सिर्फ 30% अंक इसमें लाने हैं और अर्थात 100 अंक की यह परीक्षा है, 100 अंक की परीक्षा है। 3 घंटे में आपको 100 अंक में आपको चार चीज़ें मुख्य रूप से है इसमें। निबंध 30 मार्क्स के हैं, व्याकरण और वाक्य विन्यास मिला करके 55 अंक का ये रहता है और 15 अंक का आपको एक संक्षेपण रहता है। तो ये जो चार पाँच टॉपिक हैं यही मुख्य रूप से हिंदी में रहता है और आप हिंदी के प्रश्न पर भी हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे और आपने भी देखा होगा तो बहुत इसमें समस्या नहीं है, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, 30% अंक आ जाते हैं। यह इसलिए दिया जाता है कि आप जो बिहार है या हिंदी भाषी क्षेत्र है तो इसमें यहाँ भी प्रशासन में काम करने वाले लोग यदि बाहर के अदर स्टेट के भी हैं तो उसको समान हिंदी की समझ होनी चाहिए, इसलिए यह अनिवार्य विषय है और यह क्वालिफाइंग है, इसको मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे दिन आपको जो एग्ज़ाम देना है वह समान अध्ययन जीएस पेपर वन है। जीएस पेपर वन आपको 300 अंकों की यह परीक्षा होगी, 300 मार्क्स, और ये 3 घंटे होना है और यह एक दिन में एक ही सिटिंग में होना है। आपको एक दिन में दो जीएस पेपर नहीं होना है, एक दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच में यह परीक्षा खत्म होती है, चलती है। तो आपको जो है एक दिन में इसको निपट लेना है। तो इस आधार पर यह परीक्षा 3 खंड में विभाजित है, 3 खंड के इसमें विषय आते हैं। पहले खंड में 3 खंड से मिलाकर के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न में आपको 8 प्रश्न हल करने हैं, अर्थात आपको 3 घंटे में जो है 8 प्रश्न को लिखने हैं। और हम लोग इस पर बात करेंगे कि कितने पेज दिए जाते हैं और कैसे आपको लिखना है, तो उस पर बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में। इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। 3 सेक्शन है, पहले सेक्शन में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, पहला सेक्शन है, हिस्ट्री से और कल्चर से, हिस्ट्री एंड कल्चर से। इसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वह है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, तो यह करेंट अफेयर्स है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करेंट अफेयर्स हैं उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग प्रश्न की चर्चा बाद में करेंगे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप जानिए कि इसमें आपको इसमें भी 3 प्रश्न हल करने हैं और इसमें भी आपको जो है 5 प्रश्न या 6 प्रश्न रहते हैं, 6 भी प्रश्न यहाँ पर कभी कभार 6 प्रश्न रहते हैं, 6 प्रश्न रहते हैं हिस्ट्री के, 3 करने होते हैं, 5 प्रश्न रहते हैं यहाँ और 3 करने होते हैं। और यहाँ पर इसके बाद जो तीसरा खंड है वह है स्टैट्स का,
स्टैट्स में, स्टैटिस्टिक्स में चार प्रश्न होते हैं और दो करने होते हैं, तो 4, 5, 9 और 6, 15। 6 में 3 हिस्ट्री में देखिए घटता जा रहा है, 6, 5 और 4। और लेकिन यहाँ 3 प्रश्न हिस्ट्री से भी करना है, हिस्ट्री कल्चर से 3 प्रश्न करेंट अफेयर से भी करना है और 2 प्रश्न करना है स्टैट्स से। यह 300 अंक और इसमें आप 300 अंकों का विभाजन होता है 38, एक क्वेश्चन 300, 114 और यहाँ पर 38 × 3 114 और फिर ये 36 × 2 72। ये इस तरह से यह बैफरकेट किया हुआ है, हम लोग इस पर विस्तार से देखेंगे। तो यह हो गया हिस्ट्री एंड कल्चर 3 प्रश्न करेंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का और 2 प्रश्न स्टैट्स का। अब इसमें स्टैट्स और हिस्ट्री एंड कल्चर यह ट्रेडिशनल पोर्शन है, यह आपको इसमें पहले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के गहन विश्लेषण और अध्ययन के आधार पर आप इसको कर सकते हैं। और यह जो बीच वाला सेक्शन है सेक्शन 2, इसमें आपको वर्तमान में चलना है। तो पेपर 1 जो है प्रीवियस कंसेप्ट्स को भी लेकर चलना है और वर्तमान में जो अभी करंट अफेयर्स है उसमें भी लेकर के चलना है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर में भी 3 खंड होते हैं, 300 अंक की परीक्षा होती है और 3 घंटे तक होती है। यह भी आपको बताया कि 11 बजे से यह शुरू होगा 2 बजे तक, मतलब एक दिन में ही होना है। और इसमें भी 3 खंड हैं। पहला खंड है इंडियन पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का पहला खंड है भारतीय राज व्यवस्था। इसमें संविधान के प्रस्तावना से लेकर के अंत तक के विभिन्न उपबंधों, विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न पहलुओं से जुड़े प्रश्न को तत्कालिक अभी के परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़ करके पूछा जाता है। इस पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। और इसमें भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं 3 ही प्रश्न करने होते हैं और इसमें 3 प्रश्न करने होते हैं, 4 प्रश्न यहाँ, 4 में 2 और इधर बच गया 8, तो ये 4 में 3 और ये 4 में 3, ये इस तरह का है। सेकेंड पेपर में ऑप्शन कम है, फर्स्ट पेपर में ऑप्शन अधिक है, सेकेंड पेपर में ऑप्शन कम है। 4 में 3 करना है, यहाँ भी 4 में 3 करना है। जो दूसरा सेक्शन है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल में, अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों ऐड है, तो इसमें वे प्रश्न पूछे जाते हैं जो भूगोल और अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों से सम्मिलित संबंध रखते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, गरीबी, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं, आर्थिक नियोजन, ये सारे के सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं इसमें। इसमें बिहार से संदर्भित प्रश्न, भारत का भूगोल है तो भारत के अंतर्गत बिहार से भी जुड़े हुए प्रश्न जो है बिहार के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको हम लोग इस पर विश्लेषण करेंगे बाद में कि टॉपिक वाइज जब देखेंगे तो। और सेक्शन 3 में जो है इसमें साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सीधा जो हम लोग कंसेप्ट समझते हैं, ऐसा कंसेप्ट बीपीएससी में नहीं है। बीपीएससी में है कि भारत के विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है और उसका क्या प्रभाव है। अभी जब हम लोग प्रश्न पर देखेंगे, प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो सोचते हैं साइंस टेक में, रोबोटिक्स के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में, उसके टेक्निकल पहलू के बारे में, ऐसा नहीं है। उसका एप्लीकेशन है, उसका रोल क्या है, इम्पैक्ट क्या है भारत के डेवलपमेंट में। और टॉपिक भी इसी तरह से सेलेक्ट होता है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि टॉपिक भी बीपीएससी ऐसा ही सेलेक्ट करता है कि वह सीधा दिखाई पड़ता है कि भारत के डेवलपमेंट में से स्मार्ट सिटी बना, अभी प्रश्न पूछा गया था, जैसे कचरा प्रबंधन, उसको कचरा प्रबंधन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो 4 प्रश्न है इसमें से 2 प्रश्न करने हैं, यहाँ पर 4 में 3 करने हैं और यहाँ पर 4 में 3 करने हैं। इस तरह से यहाँ भी वही है, 38 मार्क्स है, 38 मार्क्स में 3 और 38 × 3 और फिर 36 × 2, इस तरह से 300 अंक की ये परीक्षा है। तो यह सेकेंड पेपर हो गया। तो हम देख चुके हैं अभी
300 प्लस 300, ये जीएस है, जीएस हो गया 600 का, 600 जीएस हो गया। ये सबके लिए एक समान है, जितने भी अभ्यर्थी, चाहे उनका इकोनॉमिक्स रहा हो, चाहे वो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, चाहे वो पॉलिटी के स्टूडेंट हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, क्वेश्चन सबों के लिए ये दो पेपर कंपलसरी होगा, समान रूप से बराबर होगा। तो यहां पर समानता है, इसलिए समान अध्ययन इसका नाम पड़ा है, कि यहां सबों के लिए बराबर स्पेस है और सबों को बराबर मौका बीपीएससी दे रहा है। अब एडवांटेज यहां हमको लेना है और वहां डिसएडवांटेज कहां हमारा हो रहा है, यह जानने के लिए हमको अपने विषय को भी देखना पड़ेगा कि हमारा ऑप्शनल पेपर कैसा है। भी हमारा ऑप्शनल पेपर काफ़ी स्कोरिंग है, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे जूलॉजी है साइंस सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री है, तो वो काफ़ी स्कोरिंग है। तो यदि हम यहाँ पर हमारा यदि वैसा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमको इस विषय पर जीएस पर अपनी पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे विषय अभ्यर्थी भी होंगे जिनका ऑप्शनल पेपर साइंस सब्जेक्ट से होगा। यदि उन्हें भी उनके मुकाबले में अपने आप को खड़ा करना है, तो निश्चित तौर पर हमारा जीएस का मार्क्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो इस वजह से हमको अपनी तैयारी में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि समान अध्ययन में हमारी पकड़ कमज़ोर ना हो। तो यह बात हो गई। अब आते हैं हम लोग जो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, या तो सबके लिए बराबर था, अब ऑप्शनल पेपर जो है, ऑप्शनल पेपर सबों के लिए अलग अलग हो सकता है जो, और यह भी 300 मार्क्स का है, यह भी 3 आवर 3 घंटे में सेपरेट दिन में इसको भी आयोजित होना है, एक दिन का गैप मिल जाता है। तो इस तरह से, और उसमें भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह दो सेक्शन में, प्रायः सभी विषय में सेक्शन ए और बी करके होता है, सेक्शन ए और बी करके, उसमें 6 प्रश्न लगभग जो है पूछे जाते हैं, तो 6 प्रश्न और एक प्रश्न में 50 अंक, तो ये 300 अंक का यह भी एग्जाम होता है और 3 घंटे में आपको लिखना है। तो 6 प्रश्न वहाँ लिखने होते हैं, और हम लोग बात करेंगे कितने पेज दिए जाते हैं और कैसे कितने पेज में ये आंसर लिखना है नेक्स्ट लेसन में। तो यह हमारा सिलेबस है, हमको एग्ज़ाम जो देना पड़ा इस रूप में 900 मार्क्स का, इसमें से जीएस जो है हमारा 600 और ऑप्शनल पेपर जो है हमारा वह है 300 मार्क्स का। यह हमें, इसका मतलब है कि ऑप्शनल का जो है 2 टाइम्स जो जीएस है, ये ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल का 2 टाइम्स जीएस है, तो जीएस को किसी भी रूप में इग्नोर नहीं किया जा सकता है मुख्य परीक्षा में अंतिम रूप से चयन होने के लिए। तो जीएस पर पकड़, चूंकि यह सबों के लिए समान रूप से है, तो निश्चित तौर पर इसमें हमें अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ये हमारा सिलेबस है, हम लोग फिर अगले लेसन में यह देखेंगे कि GS Paper 1 को कैसे तैयार किया जाए, GS Paper 2 को कैसे तैयार किया जाए, और अलग अलग सेक्शन में हम देखेंगे, हिस्ट्री एंड कल्चर को अलग देखेंगे, करेंट अफेयर्स को अलग देखेंगे, स्टैट्स को अलग देखेंगे, राज्य व्यवस्था को अलग देखेंगे, अर्थव्यवस्था और भूगोल में जो प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले वर्षों के प्रश्नों की जो समझ है वह सही समझ सही कंटेंट के साथ वह अनिवार्य है, और फिर स्टैटिस्टिक को देखेंगे, जिनका जो ऑप्शनल पेपर है वे अपने ऑप्शनल पेपर के लिए सही मार्गदर्शक जरूर चुन लें, चाहे वह संस्थान हो, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके सीनियर हों, जरूर उनके संपर्क में रहें, और अच्छी पुस्तकें और अच्छी सामग्री के साथ उस पर अध्ययन करना अनिवार्य है। और जीएस के लिए भी आपकी अपनी जो समझ है उसके आधार पर आप सिलेबस के अनुसार जो अध्ययन सामग्री है, शिक्षण संस्थान है, मार्गदर्शन है, हमारा भी सहयोग है, उस सब से जुड़ करके अब बिना विलंब किए आपको जो है अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देना है। चूँकि अधिकारी बनना है तो निश्चित तौर पर इस दौर से गुजरना पड़ेगा, चाहे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई, यदि मान लीजिए कोई हमारे बंधु नहीं कर पाए, तो निश्चित तौर पर अगली बार जब वो फिर करेंगे तो उसको इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप अपने समय का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें, रिजल्ट के बाद फिर हमारी जो रणनीति, आपकी रणनीति में थोड़ा बहुत बदलाव उन अभ्यर्थियों के लिए हो सकता है इसका कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जिनका होगा उनको इस समय का यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो काफ़ी फायदा होगा। इसी आशा के साथ कि अगले लेसन में फिर हम लोग नई बातों को, इससे जुड़े नई बातों को लेकर के आएंगे और विश्लेषण करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे, और आशा है कि आपको यह हमारा जो लेसन है अच्छा लगा होगा,
आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे साथ अनवरत रूप से बने रहिए। धन्यवाद।